नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये सर्दियों के दिनों में मेरे घर में बनता ही रहता है, तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं कुकर में बनाती हूँ और ये शलगम और आलू की सब्जी बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले चाहिए कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल खाती हो वो इस्तेमाल करिए। ज़रूरत के अनुसार पानी, ये मैंने चार आलू लिए हैं, इनको धो के छील कर काट लिए। और शलगम लिए मैंने तीन, ये 300 ग्राम के लगभग थे बड़े बड़े। और ये एक प्याज, एक टमाटर बारीक कटा हुआ। मसालों में मैंने लिए हैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च और तड़के में जीरा। और ये मैंने बारीक काट रखा है दो मिर्च, क्योंकि मिर्च हरी कम डाल रही हूँ, क्योंकि हमने तीन मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ शलगम के साथ इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कुकर में एक करछी के लगभग कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो देसी घी में बना सकती हैं, देसी घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बट मेरी सासू माँ देसी घी नहीं खाती हैं, तो मुझे इसे रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल में बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, ये देखिए। जी हाँ, अच्छी तरह। तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी और अब मैं आँच कम करूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी अदरक, हमारा अदरक हो गया। तो अब मैं डालूंगी प्याज, ये मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले पंजाबी परिवार से सीखा था। तो ये मेरी रेसिपी नहीं है दोस्तों, ये मेरी फ्रेंड है पंजाब की, उनका है। और मैं ये प्याज को थोड़ा और भून लेती हूँ। मुझे इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाना है। तो चलिए अब हम इसमें, ये देखिए मैंने पहले ही बताया था कि मुझे लाल नहीं करना है प्याज, ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर और इसको भी एक से दो मिनट भून लेते हैं। चलिए एक से दो मिनट हो गए। अब मैं सिर्फ कसूरी मेथी को रखूँगी, वो लास्ट में डालूँगी, और इन सभी मसालों को डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरी जो फ्रेंड है वो नहीं डालती हैं धनिया पाउडर, वो धनिया पाउडर बहुत कम ही यूज़ करती हैं, तो भूनने का तरीका है। तो अब मैं इसको टमाटर के गलने तक भूनूंगी, आँच मेरा बिल्कुल कम रहेगा। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ी पानी चाहिए इसमें, तो थोड़ा सा डालती हूँ पानी ताकि हमारा मसाला ना जले। और इसको टमाटर के गलने तक इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। हम इसे कढ़ाई में ही बना सकते हैं, पर कढ़ाई में यहाँ ताजे तो मिलते नहीं हैं दिल्ली में शलगम, तो कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है और इसमें दो सीटी नहीं हो जाता है। अगर ताजे शलगम आपको मिल जाए और छोटे कच्चे, तो आप इसको कढ़ाई में बनाइए, कढ़ाई का स्वाद ही अलग आता है। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं थोड़ा और। तो दोस्तों, ये हमारा मसाला भून गया, ये देखिए टमाटर भी अच्छे से हमारे गल गए। तो अब मैं इसमें डालती हूँ आलू और शलगम। तो ये देखिए मैंने आलू और शलगम डाल लिया और अब आँच मेरा कम है और मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और इनको 4 से 5 मिनट मसालों के साथ भून लूँगी। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भून गया अच्छी तरह से, 4 से 5 मिनट हो गया। अब मैं इसे देखिए तेल छोड़ रहा हूँ, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी जरूरत के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना बस। और अब मैं इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी आने तक पका लेती हूँ। फिर हम खोल के देखेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है 2 सीटी में, वरना हम 1 सीटी और लगाएंगे। देख लीजिए पानी बस इतना ही चाहिए हमें। चलिए मैं इसका ढक्कन बंद करती हूँ और 2 सीटी लगा लेती हूँ।
ये देखिए मैंने लगा दिया, अब ये मेरी दूसरी सीटी होने वाली है। तो चलिए इसे हो जाने देते हैं और उसके बाद गैस बंद करते हैं और गैस को अपने आप रिलीज होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा गैस निकल चुका है, अब देखते हैं। जी हाँ, अच्छी तरह सूख गया ये देखिए। और अब मैं डालती हूँ कस्तूरी मेथी, सॉरी दोस्तों, और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारा ये सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा आलू शलगम का सब्जी तैयार है और ये बहुत जल्दी बनता है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देती हूँ, आलू देखिए और शलगम, ये देखिए शलगम कितनी अच्छे से कट जा रहा है। और ये आलू भी हमारा, ये देखिए, इसलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, वो तो पंजाब के रहने वाले हैं, तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए, खाइए शलगम की सब्जी, आलू शलगम की। और अगर आप देसी घी पसंद करते हैं तो आप देसी घी में बनाइए। मेरे घर में मेरी सासू माँ नहीं खाती, इसलिए मैं देसी घी में नहीं बना रही। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कॉमेंट करके आप बताइएगा आप किस तरीके से शलगम की सब्जी बनाती हैं। वो मेरी जो फ्रेंड है वो शलगम की भुजिया भी बनाती है, तो मैं वो भी दे दूंगी आपको अपने चैनल पे। आप अपना भी तरीका मुझे बता सकती हैं तो मैं वो भी बना के अपने चैनल पे दिखाऊंगी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर मुझसे कोई गलती है या मेरी सब कमियाँ हैं मुझ में या मेरे खाना बनाने में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।